राजस्थान में गर्मी कहर बरपा रही है, चढ़ता पारा हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आग बरसाते सूरज के कहर से इंसान तो इंसान, भगवान भी अछूते नहीं है। जयपुर के राजा माने जाने वाले भगवान गोविंद देव जी को भी गर्मी परेशान कर रही है। भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान गोविंद देव जी को मंदिर में जल विहार करवाया जा रहा है। इस दौरान रियासतकालीन चांदी के फव्वारे से ठाकुर जी को ठंडक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ठाकुर जी को सूती धोती धारण कराई जा रही है, जल यात्रा निकाली जा रही है। गर्मी से राहत देने के लिए दक्षिण भारत से मंगवाए गए चंदन का लेप किया जा रहा है, साथ ही भगवान गोविंद देव जी का फूलों से श्रृंगार किया गया है। राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी जारी है और अब ठाकुर जी को भी गर्मी सताने लगी है। ठाकुर जी यानी कि जयपुर के इष्ट देव, जिनको जयपुर का राजा भी कहा जाता है, गोविंद देव जी, गर्मी के इस टाइम में उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। रियासतकालीन जो फव्वारे थे चांदी के, वो उनके लिए खास तौर पर लगाए गए हैं। एक तरीके से कहें कि जो जल विहार है, उनको जल विहार करवाया जा रहा है। इस जल विहार की जो उनकी पूरी की पूरी एक तरीके से झांकी है, उसको बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत से खास जो चंदन है, वो चंदन उनके लिए मंगवाया गया है। खास तरह की सूती की जो पोशाक है, ताकि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, वो उनके लिए तैयार करवाई गई है। गर्मी के इस मौसम में अपने इष्ट गोविंद देव जी के इस रूप के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में मंदिर पहुंच रहे हैं, साथ ही गर्मी से निजात दिलाने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। राजस्थान में गर्मी कहर बरपा रही है, चढ़ता पारा हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आग बरसाते सूरज के कहर से इंसान तो इंसान, भगवान भी अछूते नहीं है। जयपुर के राजा माने जाने वाले भगवान गोविंद देव जी को भी गर्मी परेशान कर रही है। भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान गोविंद देव जी को मंदिर में जल विहार करवाया जा रहा है। इस दौरान रियासतकालीन चांदी के फव्वारे से ठाकुर जी को ठंडक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ठाकुर जी को सूती धोती धारण कराई जा रही है, जल यात्रा निकाली जा रही है। गर्मी से राहत देने के लिए दक्षिण भारत से मंगवाए गए चंदन का लेप किया जा रहा है, साथ ही भगवान गोविंद देव जी का फूलों से श्रृंगार किया गया है। राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी जारी है और अब ठाकुर जी को भी गर्मी सताने लगी है। ठाकुर जी यानी कि जयपुर के इष्ट देव, जिनको जयपुर का राजा भी कहा जाता है, गोविंद देव जी, गर्मी के इस टाइम में उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। रियासतकालीन जो फव्वारे थे चांदी के, वो उनके लिए खास तौर पर लगाए गए हैं। एक तरीके से कहें कि जो जल विहार है, उनको जल विहार करवाया जा रहा है। इस जल विहार की जो उनकी पूरी की पूरी एक तरीके से झांकी है, उसको बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत से खास जो चंदन है, वो चंदन उनके लिए मंगवाया गया है। खास तरह की सूती की जो पोशाक है, ताकि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, वो उनके लिए तैयार करवाई गई है। गर्मी के इस मौसम में अपने इष्ट गोविंद देव जी के इस रूप के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में मंदिर पहुंच रहे हैं, साथ ही गर्मी से निजात दिलाने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं।